तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ इंडिया गेट। और इंडिया गेट के आसपास का जो एरिया है वहाँ वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और उस जो प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा था उसका नाम है सेंट्रल विस्ता। तो चलिए आज मैं उसको दिखाती हूँ क्योंकि मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया है। तो चलिए फटाफट मेरे साथ। ये देखिए अभी हम लोग हैं यहाँ, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे जंतर मंतर है। हम लोगों ने यहाँ जंतर मंतर से स्टार्ट किया है और हम जा रहे हैं यहाँ से इंडिया गेट। फ्रेंड्स देखिए अभी हम इंडिया गेट पहुँचे भी नहीं हैं और पहले हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि इंडिया गेट के पास पास ये पूरा पानी के फुवारे बनाए गए हैं। और देखिए यहाँ पर मतलब पहले भी था, ये पहले इतना खूबसूरत नहीं था बट ये अभी इतना सुंदर और नीट एंड क्लीन पानी है। और यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखाऊँगी, यहाँ पर ये सिटिंग का भी है। देखिए आप आएँ तो यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा यहाँ पर सिटिंग एरिया भी बन गया है। और आप देख रहे हैं कि कितना, ये देखिए ट्रैक है यहाँ पर चलने के लिए, पहले ये ट्रैक नहीं था बट अब ये ट्रैक भी बन गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे घास आप देखेंगे कितनी सुंदर कटी हुई है और यहाँ पर लोग बैठे हैं और ये देखिए लोग आराम से वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये देखिए आसपास का मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर यहाँ पे एकदम आसपास ग्रीनरी है, पेड़ लग गए हैं। और ये देखिए, और मैं आपको एक बात बता दूँ आपको कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पे देखेंगे ना आपको, देखिए यहाँ पर मिलिट्री मैन है, पुलिस वाले हैं, तो सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफ़ी है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पे आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। चलिए फिर हम चलते हैं इंडिया गेट की साइड वापस। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया गेट, तो ये यहाँ पे यहाँ से हमें जाना होगा, ये सिक्योरिटी चेकिंग के लिए है। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, चलिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ का पट्टी देखेंगे, काफ़ी भीड़ भी लगी है लोगों की। और ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा पानी है, यहाँ पर इसके किनारे आप बैठ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से चलते चलते, यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, काफ़ी लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पर मेरे को, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ घूमने के लिए आए हैं, वीडियोस बना रहे हैं और फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं दिखा रही हूँ इस वक्त, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये एक गार्डन पार्क है और यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, मतलब यहाँ पर अच्छा सिटिंग का भी है, आप आराम से आएँ घूम के थक जाएँ तो आप यहाँ पर देखिए बैठ सकते हैं। कितने लोग, काफ़ी रश है, काफ़ी लोग आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया गेट देखने के लिए। देखिए
हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको मालूम है भारत का दिल है दिल्ली, और दिल्ली की धड़कनें हैं ये इंडिया गेट और इसे आसपास का एरिया। तो इतना खूबसूरत है ये, इतना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त, शाम के वक्त इसकी रौनक ही अलग है। चलिए हम थोड़ा और पास जाते हैं। एक और चीज आपको दिखाती हूँ, ये इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के इस वाली साइड सामने मैं अब आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, क्योंकि मोदी जी ने भी इसका उद्घाटन किया है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक साइड ये और एक साइड इंडिया गेट, ये देखिए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर काफी अच्छा फुटपाथ बन गया है, देखिए मैं जिसके ऊपर चल रही हूँ, आप भी देख सकते हैं इस फुटपाथ पर। ये देखिए ये फुटपाथ बन गया है, और चारों तरफ काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, चारों तरफ देखिए काफ़ी रश है। फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा था, पर मैं समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो मेरे को एक भैया मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताएंगे कि क्या है, तो आइए उनसे सुन लेते हैं हम क्या है। ये अंडरपास बनाया गया है, और अंडरपास इसलिए बनाया गया है ताकि पब्लिक इसके नीचे से जाए, ना तो जाम लगेगा सड़क पे, हाँ जी, और ना कोई दुर्घटना होगी, हाँ जी। और इनमें थोड़ा सरकार ने ध्यान देते हुए ताकि पब्लिक को मजा आए, अंडर पास ही ना बने, ये इनमें पेंटिंग लगाई गई है, हिस्टोरिकल लगा दी गई है, हिस्टोरिकल की लोगों को अच्छा भी लगे, अच्छा और टाइम पास हो जाए लोगों को, जाते भी थोड़ी अंदर, और लाइटिंग भी बहुत अच्छी लाइट है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। राइट साइड में आप देखिएगा तो ये फाउंटेन बनाया गया है, और ये जो फाउंटेन बनाया इसमें लाइट शो होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी इंडिया गेट ही है, और यहाँ पर एक ये पूरा ऐसा स्पेस बनाया गया है जहाँ पर हर वक्त, मतलब शाम के वक्त कल्चरल प्रोग्राम्स रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरे को दो वॉइस मिले हैं, और उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो वो खुद से बताएंगे उनका कौन सा यूट्यूब चैनल है, तो आप बताइए प्लीज। तो गाइस, मेरा टू मिले ब्लॉग के नाम से यूट्यूब चैनल है, से सब्सक्राइब करना चैनल, काफ़ी अच्छा बिहेवियर है, इनका भी चैनल सब्सक्राइब करना। Oh,
कल्चरल प्रोग्राम तो काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, काफ़ी लंबा चलने वाला है, पर मैं व्लॉग अपना इतना लंबा नहीं बना सकती, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दिया है। तो चलिए आगे का मैं अब आपको दिखाती हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, और काफ़ी तो नहीं हुई, मतलब कि अंधेरा हो गया है। दिल्ली वाले तो वैसे ही रात लेट तक जाते रहते हैं। और चलिए मैं अभी आगे का दिखाती हूँ। और ये देखिए रात में ये लाइटिंग और सब, रश काफ़ी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ ऐसी चीज़ दिखाने के लिए जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाने वाला है, तो चलो मेरे साथ। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आपको ना बता नहीं सकती, इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये ड्रोन शूट देख के मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। प्लीज मैं यही बोलूंगी आपको कि आप लोग भी आओ और ये देखो, सीरियसली अमेजिंग है ये। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको अंडरपास से ले जा रही हूँ अभी। पे फोटो क्लिक करते हैं, आप भी आए तो यहाँ पे फोटो क्लिक करवा सकते हैं। हाँ भैया, ये देखिए भैया ने फोटो क्लिक किया है, ये देखिए। सॉफ्ट कॉपी भी देते हैं, हार्ड कॉपी भी, प्रिंट। भैया कितने का फोटो निकालते हो? प्रिंट लोगे 50 का है, सॉफ्ट कॉपी 30 का। ओके चलिए ठीक है, अपना नाम भी बता दो फिर। कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, जो भी आए तो भैया कुलदीप सिंह को ढूंढ लेना और इनसे फोटो निकलवा लेना, ठीक है? थैंक यू भैया। ब्लॉग शूट कर लिया है पूरा, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। आप मेरे को हमेशा अपना ऐसे ही प्यार देते रहो, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।